आज की डेट में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बैट ही पकड़ाते हैं उसको, कि बॉल कोई नहीं देता कि हाँ बॉल चाहिए। मैं पापा के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता था, तो पापा को ये ज़्यादा पसंद था कि मेरा गेम और भी अच्छा है या तेज़ फेंकता है, यंग है, तो इसको भी इसको डाला जाए। अराउंड 8 से 10 साल का था तब, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि भैया लोग ये लोग सब खेलते थे क्रिकेट गर्मी में, तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा सा छाँव में रहने वाला बंदा था। लेकिन हाँ, घर में सब सारे फास्ट बॉलर थे क्योंकि जब पापा खेलते थे तब के टाइम पे भी वो लोग फास्ट बॉलिंग करते थे, तो भैया ने जब खेलना स्टार्ट किया तो वो भी एक फास्ट बॉलिंग के तौर पे ही मुझे दिखे, तो मुझे लगा कि मैं यार हाँ नेचुरली। ज़्यादातर तो फैमिली, अगर जो गिफ्टेड मिलता है फैमिली से, जो गिफ्ट मिलते हैं, कहते हैं ना कि खून में बसी होती है चीज़, तो वो मेरे खून में ही बसी थी क्योंकि मैं भी एक फास्ट बॉलर ही निकला। जब निकला, मैंने जब बॉल फेंका तो तेज़ ही निकला हाथ से। मैं तो टेनिस ही खेलता था, मैं कभी क्रिकेट वैसा नहीं खेलता था प्रोफेशनली। तब टूर्नामेंट में भैया ले गए थे मुझे, बंक करा दिया था स्कूल इंटरवल के बाद, तो लगली पहले बैटिंग ज़्यादा अच्छा करता था मैं। अब ये है कि जैसे जैसे प्रोफेशन में आते गए, जो रिक्वायरमेंट हुई टीम की या क्लब की या डोमेस्टिक की, वो करते चले गए, तो जो खून में था वो असर दिखा गया वहाँ पर। फार्मिंग का एक हमारे फैमिली में कल्चर ही है एक तरीके का, कहते ना वो जैसे क्रिकेट खून में बसा था वैसे ही है। पहले से लैंड अच्छे हैं, गार्डन्स हैं, तो नेचर से प्यार है, पसंद है। और अगर आज भी मौका मिलता है तो जाता हूँ गन्ने के खेत में, या फिर ऐसे गन्ने खाने के लिए जाते हैं हम लोग। क्रिकेट लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज रहा जब मैं इंजर्ड हुआ था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शमी का गेम ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। 2015 में जब मैं ऑपरेशन करके वापस आया था, मुझे ज़रूर 18 महीने लगे, लेकिन मुझे ओवरकम करते 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 मुझे लग रहा है मैं उस पीरियड में जो मैंने 4-5 महीने निकाले बहुत स्ट्रेसफुल थे। मैं 2015 से पहले था और जो मैं 2015 के बाद हूँ वो बहुत डिफरेंस है, और बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े हैं। क्रिकेट ऐसा गेम नहीं है कि आप एक हफ़्ता ऑफ कर दो एक हफ़्ता ऑन कर दो, तो आपको कंटिन्यू आप टच में रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें। अगर आपका फोकस अगर आपका जगह पर है तो मेरे हिसाब से आप सक्सेसफुल होंगे। पुजारा जो टेस्ट मैच में जो रिटेट करता है वो नेट में भी कर देता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उससे आपको सीखने को भी मिलता है कि पुजारा जैसा बैट्समैन जब आपको जब एक इंच भर दूर से आपको लेफ्ट कर देता है ना, आपके 30 यार्ड की भागी हुई मेहनत आपको बेकार कर देता है। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ आपको मैच में आएगी, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके स्किल को इम्प्रूव कर रहा है। बैट्समैन के लिए एक बॉल काफ़ी है, मुझे पूरा दिन डालने के लिए है बॉल, तो मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग रहता हूँ उस चीज़ में, बिलीव करता हूँ अपने स्किल पे। इंस्पायर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि हाँ नेशन के लिए परफॉर्म करना, या फिर आपको जब आपके यहाँ लोगो लगा होता है तो उसको देख के एक अलग से फील होता है कि हाँ इसके लिए परफॉर्म करना, एक अलग ही फीलिंग होता है। मैं इतने लंबे टाइम से इंटरनेशनल भी खेल रहा हूँ, तो बस एक ही है कि जब मैं खेल रहा हूँ वर्ल्ड कप मेरे साथ एक वापस घर में आना चाहिए। वर्ल्ड कप एक अलग फीलिंग है, तो वो एक ड्रीम है कि हाँ वर्ल्ड कप जीते हैं, हम अपने घर लेकर आए हैं और उस टीम का मेंबर हम होने चाहिए।